मुझे बुलाया सर। हाँ अनिक, तुम्हें तो पता है कि कंपनी के डिलीवरी टाइम को लेकर हमारी एक बहुत ही बढ़िया रेप्यूटेशन है। हाँ सर, जानता हूँ। हम बाकी कंपनियों की तुलना में ज्यादा फास्ट डिलीवरी करते हैं ना। एग्जैक्टली, पर जानते हो एक बहुत ही अजीब सा ऑर्डर आया है। पता है हम ये ट्रैक ही नहीं कर पा रहे कि ये ऑर्डर आखिर किसने किया है, और उधर उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। अगर तुम वक्त पर ये पार्सल पहुंचा देते हो तो फिर हमारे ऑफिस का रेपुटेशन मतलब तुम समझ रहे हो ना अनिक। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि डिलीवरी पहुंचाते वक्त कोई परेशानी तो नहीं होगी। अरे तुम तो हमारी कंपनी के सबसे साहसी एम्प्लॉई हो, तुम्हें तो याद ही होगा तुमने इसके पहले हमारी कंपनी को कितनी मुसीबतों से बचाया है। प्लीज अनिक, इस बार फिर से कंपनी को बचा लो। अच्छा, ठीक है सर। बस आप मुझे वो डिलीवरी का एड्रेस और पार्सल दे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। मैं कब से चलता ही जा रहा हूँ, बस चलता ही जा रहा हूँ, पर पते पर पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। इस पार्सल की डिलीवरी करके ऑफिस जाकर साफ साफ कह दूंगा, अब से इतनी दूर के पते पर मैं पार्सल की डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा, और अगर करूंगा भी तो एक्स्ट्रा रुपए लूंगा। हाँ, इससे मेरी नौकरी रहती है तो रहे, वरना चली जाए, मैं कोई नया काम ढूंढ लूंगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे ओ काका, जरा रुके रुके, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये मुरारी जी का मकान कितनी दूर है? क्यों, क्या काम है तुम्हें वहाँ? हाँ, सामान पहुँचाना ही तो हमारा काम है, अब मुझे जाना ही होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता बेटा, तुम खुद ही ढूंढ लो, मैं मुसीबत में नहीं पड़ूंगा। अच्छा अच्छा, अरे भाई, बोल रहा था कि मुरारी जी के घर जाने का रास्ता जरा बता देंगे क्या मुझे? आप इंसान ही है ना? अजीब बात कर रहे हैं, क्या दिखने में मैं इंसानों जैसा नहीं दिखता हूँ क्या? अरे क्या कह रहे हो, चलो 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 चलो, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, रात होने वाली है, चलो यहाँ से चलो। अरे मैं तो अच्छी मुसीबत में फंस गया हूँ बाबा, कोई पता ही नहीं बता पा रहा है मुझे तो, और इधर ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि अर्जेंट पार्सल है, अर्जेंट पार्सल है, आज रात तक ही डिलीवरी करनी होगी। अब मैं क्या करूँ, सीधा रास्ता पकड़ के जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब तो ये लो, चलो मिल गया, इतनी देर में पहुंच ही गया। अब पार्सल पार्सल के मालिक के हाथों में देते ही मेरी छुट्टी। कोई घर पे है क्या? पार्सल आया है, पार्सल कोई अंदर है? ये लो, यहाँ भी कोई नहीं है क्या? अरे कोई सुनिए तो सही, कोई है क्या? बहुत परेशानी से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, शाम हो गई है, अब मैं लौट जाऊंगा। हट 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 यहाँ से, हट। उसे मत भगाइए, ये यहीं का पाला हुआ कुत्ता है। सॉरी, अच्छा ये गोविंद उपाध्याय नाम से कोई यहाँ पे रहते हैं क्या, बताइए तो। गोविंद? हाँ हाँ रहते हैं, अंदर आ जाइए, आइए आप यहाँ बैठिए, मैं गोविंद को बुला लाता हूँ अभी। क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? जी, क्या आप ही गोविंद उपाध्याय हैं क्या? वो आपके नाम पर पार्सल आया है। हाँ जानता हूँ, अब ये लीजिए, चलता हूँ। रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी किस बात की है, अभी अभी तो आप आए हैं। जी मुझे भी तो घर लौटना होगा, मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। कैसे वापस लौटेंगे? बाहर तो आंधी तूफान और बारिश शुरू हो गई है, वो सुनिए। आपको चाय पानी कुछ चाहिए? नहीं 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 नहीं, वो बस थोड़ा सा पानी ले आइए बस। पता नहीं ये कैसी अजीब बदबू आ रही है। एक तो इस मकान में इतना अंधेरा है, दूसरा लोग भी बहुत अजीब है सारे, लगता है इस घर की सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई। आप इस मकान के नए मेंबर हैं क्या? है? जी नहीं नहीं नहीं, मैं तो पार्सल पहुंचाने के लिए आया हूँ, बस बारिश के रुकते यहाँ से चला जाऊंगा। चले जाएंगे, इस घर को छोड़कर कोई भी नहीं जाना चाहता, और आप चले जाएंगे? अरे ये फिर से नया इंसान, सुनिए मैं पहले ही बता देता हूँ,
पानी सुबह सिर्फ 2 घंटे के लिए ही मिलेगा। इस बीच हाथ पैर धोकर अच्छे से नहा लीजिएगा। हाँ, बस वही एक बार। क्यों, बात समझ आई ना? अरे नहीं 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 भाई, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ। आपको कोई गलत फहमी हुई? क्या कहा, गलती? मुझसे गलती हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। जी हाँ, लेकिन इस बार तो हो रही है। अरे मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूँ, एक डिलीवरी देने के लिए आया हूँ। दरअसल बाहर बारिश हो रही है ना, तो मैं बारिश की वजह से यहाँ पे फंस गया हूँ। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं तुरंत चला जाऊँगा। आप चिंता मत करिए, मैं चला जाऊँगा। पहले पहले सभी ऐसे ही बातें करते हैं, कितना सुना है मैंने, पर आखिर में कोई भी नहीं जाता। तो आप भी नहीं जाओगे, ये बात जान लो। अजीब इंसान है आप तो, आपका ये पूरा मकान ही अजीब और संदेहजनक है। अजीब, सुनिए, आप देखिए मेरी बात को सुनिए प्लीज। एक बार गोविंद बाबू को बुला दीजिए तो, वो कब के पानी लेने गए हैं पर अभी तक आए नहीं। मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। जाइए। वो अब आएंगे भी नहीं, गोविंद को बुलाने पर भी वो नहीं आएगा, वो अब किसी के बुलाने पर आवाज भी नहीं देगा। सब कुछ उल्टा पलटा है, बेकार में आपकी वजह से मुझे कितनी सारी बातें करनी पड़ी है। चलता हूँ, बहुत सारे काम पड़े हैं, चलता हूँ। इन लोगों को देखकर तो मुझे बहुत शक हो रहा है। उधर सभी यहाँ का पता पूछने पर मुझसे दूर भाग रहे थे और पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये लीजिए पानी। आपको मेरी इस तस्वीर के लिए बहुत दूर आना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल आज रात अगर ये तस्वीर नहीं मिलती तो थोड़ी परेशानी हो जाती। अरे नहीं नहीं, परेशानी कैसी, सामान पहुंचाना ही तो हमारा काम है। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। दरअसल मैं इस मकान में बिल्कुल नया हूँ, अभी तक सबसे पहचान भी नहीं हो पाई है। मैं किससे कहूँ, ये सोचते सोचते अचानक आपकी याद आ गई। मैं कह रहा था, इस तस्वीर को दीवार पर लगाने में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इसमें क्या है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, लगता है बारिश थोड़ी कम हो गई है, अब मुझे जाना ही होगा। पर जाने के पहले क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी पूछिए ना। मैं वो कह रहा था कि इस घर में जो लोग रहते हैं वो इतने अजीब क्यों हैं? वो मतलब इसका एक कारण है, रुकिए। ये लीजिए, एक बार नजर घुमा कर देखिए, आप खुद सब समझ जाएंगे। बापरे। जो मनुष्य एक बार इस घर में आ जाता है वो कभी नहीं लौटता, वो कभी नहीं लौटता। बचाओ बाबा, बचाओ। पता नहीं ये मुरारी जी का मकान कहाँ है, ऊपर वाला ही जाने। सुनिए दीदी, ये मुरारी जी के मकान का रास्ता बता सकती हैं? हैं? मैं मुझे वो सब नहीं पता भाई। राम 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 राम। धत, जिससे भी पूछ रहा हूँ वो जवाब ही नहीं दे रहा है। चलो, बहुत मशक्कत के बाद मकान मिल गया। अनीक बाबू हैं क्या? आपके नाम का पार्सल आया है। मैं ही अनीक हूँ, अंदर आ जाइए। बचाओ बचाओ बचाओ। जो भी मुरारी के मकान में एक बार आता है
वो वापस कभी नहीं लौटता।